ओम शांति। आज 10-9 की बाबा की मुरली है। सार है, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। जितना तुम याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी। प्रश्न है, तुम्हारी सच की बेड़ी या नाव को तूफान क्यों लगते हैं? उत्तर है, क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते, कोई रिद्धि सिद्धि दिखाते, इसलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकते। सच की बेड़ी को हिलाने की कोशिश करते हैं, परंतु तुम जानते हो कि हमारी सच की नाव कभी डूब नहीं सकती। आज जो विघ्न डालते हैं वह कल समझेंगे कि सद्गति का रास्ता यहाँ ही मिलना है। सबके लिए यह एक ही हट्टी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, सर्व गुणों से अपना श्रृंगार करना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। सेकंड पॉइंट, सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है, इसलिए इससे दिल नहीं लगानी है। स्मृति रहे कि अभी हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं, हमें तो नई दुनिया में जाना है। वरदान, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी माया जीत भव। स्पष्टीकरण है, जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। माया जीत बनने का सहज तरीका है, स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी। ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी, और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। स्लोगन है, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग ज़रूर आती है। ओम शांति।